वन रैंक वन पेंशन और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी हमेशा से बीजेपी पर हावी रहे। इस दौरान जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व सैनिक शामिल हुए तो उनसे भी राहुल गांधी ने कई वादे किए। राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों की बात सुनी और संसद में अग्निवीर और OROP के मुद्दे पर आवाज उठाने का आश्वासन दिया। सुरक्षा करने के लिए कैपेसिटी चाहिए, वो ट्रेनिंग का दौरान मिलता है, नहीं तो सर्विस का दौरान में मिलता है। जो फौज में है परिवार के साथ हम रहते हैं, वो परिवार दो करने के लिए कोशिश कर रहा है। आपका नारा वही है, हिंदुस्तान को दो कर रहा है, इसी तरह फौज में भी दो करना चाहता है। फौज में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई नहीं है, एक ही प्लेट में पंजाबी और मलयाली और तमिल सब भाषाओं का खाता है। 1.5 लाख युवा इंतजार में था, नौकरी मिल जाएगा, फौजी बन जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त जम्मू में हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। लगभग 5 महीने से चल रही इस यात्रा से ढेर सारी तस्वीरें सामने आई। कभी राहुल गांधी से पूर्व RBI गवर्नर राजन तो कभी पूर्व रॉ चीफ मिलने आए। कलाकार से लेकर एक्टिविस्ट और पूर्व सैनिक भी इस यात्रा से जुड़े। चर्चाओं में रहने वाले तो पूर्व सैनिक भी रहे जो राहुल गांधी से इस दौरान मिले। कई मुद्दों पर राहुल गांधी से बातचीत की। इसके बहुत सारे वीडियो क्लिप्स खुद राहुल गांधी, कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए गए। आप खुद देखिए अब तक की यात्रा में राहुल और पूर्व सैनिकों के बीच क्या बातचीत हुई। कि मुझे आपके जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट हाउस में उठाने चाहिए और आपने 3-4 मुद्दों के बारे में बोला, तो पहले अग्निवीर और फिर ओरव और जो बाकी आपने बातें बोली हैं, मैं डिफेंस कमेटी में भी हूँ, मैं वहाँ रेज कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।